माइनक्राफ्ट हमें इतनी ज्यादा फ्रीडम देता है खेलने की, इसलिए लोगों ने इसमें बहुत सारे इंक्रेडिबल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रखे हैं। एंड आज की वीडियो में मैं ऐसी टॉप 10 बताने वाला हूँ। इसमें से कुछ रिकॉर्ड स्पीड रनिंग के हैं तो कुछ बिल्डिंग के। ये सारी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इतने शॉकिंग है कि आपके होश उड़ा देंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थॉमस सिमंस यूके का कंटेंट क्रिएटर है, जिसने 20 जनवरी 2021 को एक नहीं बल्कि दो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए माइनक्राफ्ट की वजह से। पहली बात तो उसके उस टाइम पे 3 मिलियन फॉलोअर्स थे, मतलब वो वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ट्विच चैनल बन गया था माइनक्राफ्ट खेलने वाला। और साथ ही वो तो ड्रीम असेंबली फिनाले नाम की एक लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जिससे एक्चुअली उसे रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पीपल वॉचिंग माइनक्राफ्ट गेम प्ले लाइव ऑन ट्विच मिला। मतलब उसकी ये लाइव स्ट्रीम को सबसे ज्यादा लोग देख रहे थे ट्विच पर माइनक्राफ्ट की कैटेगरी में। बेसिकली ड्रीम असेंबली एक माइनक्राफ्ट सर्वर है, जिसमें रोल प्ले पे ज्यादा फोकस है और वो ड्रीम नाम का यूट्यूबर मैनेज करता है। इस सर्वर में बहुत से वेल नोन प्लेयर्स आ चुके हैं, लाइक बोकी माइनी, लिल नेस एक्स, केएसआई एंड इवन निंजा। इसी सर्वर में द ड्रीम असेंबली फिनाले को सेट किया गया था, जिसकी वजह से टॉमी इनिट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाया। वो बंदा अभी सिर्फ 17 साल का है और वो ट्विच और यूट्यूब पर हर जगह धमाई मचा रहा है। वैसे आप बताओ कि ऐसे कौन सा इंडियन माइनक्राफ्ट स्ट्रीमर होगा जो रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। फिर बात करते हैं स्पीड रनिंग की, एंड ये होता है गेम के ऑब्जेक्टिव्स को मिनिमम पॉसिबल टाइम में कंप्लीट करना। अगर माइनक्राफ्ट की बात करूं तो आपको पता है कि इसे कंप्लीट करने के लिए हमें एंडर ड्रैगन को हराना होता है, जो कि बॉस मॉब है और एंड डायमेंशन में रहता है। उसे हराना मुश्किल है क्योंकि उसके पास 200 हेल्थ पॉइंट्स होते हैं और वो एक हिट में 7 हेल्थ पॉइंट्स का डैमेज दे सकता है अगर डिफिकल्टी हार्ड है तो लोग जो है वो इसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते रहते हैं। किसी ने 12 मिनट लगाए तो किसी ने 11 मिनट, इवन मिनट ही नहीं बल्कि सेकंड्स का, मिली सेकंड्स का भी फर्क पड़ता है। हैरान हो जाएंगे जानकर कि ब्रिन टिल्डा ने इस गेम को 9 मिनट्स और 36 सेकंड्स में कंप्लीट कर रखा है, जो कि अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से भी लगभग 1.5 मिनट कम टाइम है। उसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अगस्त 3 को सेट किया था, लेकिन उस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया हो, क्योंकि रिकॉर्ड बनते किस लिए हैं, टूटने के लिए। इसी रिकॉर्ड की बात करूं तो प्लेयर ने पिगलिन से ट्रेड करके एंडर पर्ल्स के 2 स्टैक्स ले लिए, जिससे उसको स्पीड रन करने में काफी आसानी हुई। कि आपको पता है कि माइनक्राफ्ट में दुनिया का सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या था और उसने बनाया था, वो था ये छोटा सा घर जिसे माइनक्राफ्ट के क्रिएटर नॉच ने खुद बनाया था। उन्होंने स्ट्रक्चर को गेम की रिलीज से 2 दिन पहले बनाया था, जिसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला। वो यूट्यूब चैनल तो अभी नहीं है, पर किसी ने इस वीडियो को दोबारा रीअपलोड कर रखा है यूट्यूब के ऊपर। तो ये देखो, ये है दुनिया का सबसे पहला माइनक्राफ्ट का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं हाई पिक्सल की, जो कि द मोस्ट पॉपुलर सर्वर है माइनक्राफ्ट खेलने के लिए। एंड ये सर्वर इतना पॉपुलर है कि इसमें 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। एक है मोस्ट गेम्स ऑन अ माइनक्राफ्ट सर्वर, क्योंकि इसमें 43 गेम्स हैं। देन मोस्ट यूनिक प्लेयर्स लॉग्ड इनटू अ माइनक्राफ्ट सर्वर, मतलब एक सर्वर में टोटल कितने यूनिक प्लेयर्स ने लॉग इन किया हो, जो कि है इसके ऑलमोस्ट 12 मिलियन। फिर इसमें 2 और रिकॉर्ड्स हैं, मोस्ट पॉपुलर इंडिपेंडेंट सर्वर फॉर अ वीडियो गेम के और मोस्ट पॉपुलर माइनक्राफ्ट सर्वर नेटवर्क के, क्योंकि इसमें 65,000 के अराउंड कॉन्करेंट प्लेयर्स रिकॉर्ड हो रखे हैं। सिंपल वर्ड्स में एक बार में इस सर्वर को मैक्स 65,000 लोगों ने खेला था, जो कि सही में ह्यूज है। इवन ये नंबर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो 2017 के है। अब तो इसके कॉन्करेंट प्लेयर्स 2 लाख से भी ज्यादा पार कर चुके हैं। मतलब ये सर्वर इतने लोगों को हैंडल करने के लिए बना नहीं है, बेचारे की जान निकल गई थी इतने प्लेयर्स को एक साथ खिलाने में, पर फिर भी ये अपने रिकॉर्ड्स को तोड़े जा रहा है। नेक्स्ट रिकॉर्ड है सबसे लंबी माइनक्राफ्ट जर्नी का। 2011 में कर्ट जे मैक नाम का बंदा एक एपिक वॉयज में निकल गया था, ताकि वो फारलैंड्स पहुंच सके। फारलैंड्स वो जगह है जिससे आप एक तरह से एंड कह सकते हो माइनक्राफ्ट का, क्योंकि वहां पर बहुत अनस्टेबल हो जाता है गेम और अजीब से स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, इवन मूवमेंट भी मुश्किल हो जाती है। ये लोकेशन एक्चुअली स्पॉन पॉइंट से 12,500 किलोमीटर की दूरी पर होती है, एंड 2019 तक वो बंदा 3875 किलोमीटर पूरे कर चुका था, वो भी सिर्फ चल के, यानी कि 3.8 मिलियन ब्लॉक से भी ज्यादा। मतलब उसने अभी सिर्फ 30% जर्नी कंप्लीट की है, पर अभी से उसे गेम में एरर्स दिखने शुरू हो गए हैं। वो अपनी जर्नी की वीडियो यूट्यूब पे डालता रहता है, एंड उसे अभी 20 साल और लगे फारलैंड्स तक पहुंचने में। खैर वो जब भी पहुंचे, लेकिन 31 अगस्त 2019 को उसने लॉन्गेस्ट जर्नी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, और जो भी पैसा उसे यूट्यूब से आता है वो उसे चैरिटी में डोनेट कर देता है। फिर एक यूट्यूबर है फिट एमसी के नाम से, जिसने एक्चुअली लॉन्गेस्ट बोट ट्रिप का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की थी। उसने 11 दिनों तक लगातार यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करी, उसने वो लगातार बस बोट चलाता रहा, क्योंकि उसे बोट जर्नी का रिकॉर्ड बनाना था। अब आप उस लाइव स्ट्रीम को दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वो 11 दिनों की थी और वो एक दिन से ऊपर की लाइव स्ट्रीम को सेव करके नहीं रखता। पर इस रिकॉर्ड के अराउंड कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही, क्योंकि भाई बंदा 11 दिनों तक 24 घंटे थोड़ी ना गेम खेल सकता है, उसे सोना भी पड़ता है। और इसलिए वो बंदा सोने जाता था तो एक कॉइन रख देता था कीबोर्ड के W बटन पे, ताकि उसका प्लेयर बोट चलाता रहे। पर लोगों ने उसे एक्यूज किया मॉड्स यूज करने के लिए। कुछ ऐसे मॉड्स आते हैं जिनसे आप ऑटोमेटिकली वॉक कर सकते हो, तो लोगों ने कहा कि तुमने जरूर वो यूज किए होंगे। उसने कभी इस बात को माना नहीं, वैसे इसलिए सच में नहीं पता। स्टिल उस 11 दिन की लाइव स्ट्रीम में उसने 7.3 मिलियन ब्लॉक्स ट्रैवल किए थे। फिर कुछ दोस्त है जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पिक्सल आर्ट बनाई है माइनक्राफ्ट ब्लॉक्स का यूज करके, एंड ये पिक्सल आर्ट है वेल नेबुला की। नेबुला को बेसिकली आप गैस और डस्ट क्लाउड कह सकते हो, जो स्पेस में मिलते हैं एंड वहां नए स्टार्स बन रहे होते हैं। दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ओल्ड चंप, जीटा, सूप और चेज मास्टर ने मिलकर इसे बनाया सिर्फ 4 महीनों में। इसमें टोटल 3.5 मिलियन से ज्यादा ब्लॉक्स यूज हुए हैं। और ऐसा नहीं कि इसे किसी प्राइवेट सर्वर में बनाया हो, बल्कि इसे तो एनआरकी सर्वर में बनाया गया है, जहां अगर किसी प्लेयर को दिख जाता है तो वो इसे तोड़ने भी आ जाते हैं। तो सोचो कि कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा इसे बनाना। अब कर्ट जे मैक तो अभी अपनी फारलैंड्स की जर्नी का बस थोड़ा सा हिस्सा कवर कर पाया है, क्योंकि वो वीक में शायद बस एक बार ही खेलता है। पर एक बंदा है किलो क्रेजी, जो एक्चुअली फारलैंड्स पहुंच गया है, वो भी बस 9 महीनों में। वो बहुत ही ज्यादा खेलता है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, इसलिए वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को इतनी जल्दी बना पाया। उसने अपनी जर्नी के खूब सारे एपिसोड्स डाले थे यूट्यूब पर अभी बस कुछ ही अवेलेबल है, लेकिन आप फिर भी उसके रिएक्शन को देख सकते हो जब वो फारलैंड्स पहुंच जाता है, क्योंकि ये सही में बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा पेशेंस और परसिस्टेंस रखना पड़ता है, एंड आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि उसका गेम
टाइम कितना ज्यादा लैग कर रहा है, क्योंकि फायरलैंड से ग्लिच जगह है। हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट माइनक्राफ्ट टनल मेड इन क्रिएटिव मोड, एंड ये टनल एक्चुअली 300,000 ब्लॉक्स लंबी है। इसे बनाया कॉनर हैमिल्टन ने, जिन्हें इसके लिए 31 दिसंबर 2020 को गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ये रिकॉर्ड अपने पिछले वाले से एटलीस्ट 3 गुना ज्यादा बड़ा है, विच इज इनसेन। ये करने में इन्हें 2 घंटे और 50 मिनट्स का समय लगा। इसमें उन्होंने कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके ब्लॉक्स को रिप्लेस करना शुरू किया। बेसिकली उन्होंने अपने काम करने के लिए खाली जगह बनाई और ब्लॉक्स को एयर से रिप्लेस कर दिया। इससे उनकी स्पीड बढ़ गई और रात में काम करने में भी आसानी हुई। इसी प्रोसेस को वो बार बार रिपीट करते गए जब तक उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट नहीं कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं रेडस्टोन की, जिसे यूज करके लोग अपने को रियल लाइफ इंजीनियर से बेहतर समझने लगते हैं। और क्यों ना समझे, रेडस्टोन उन्हें इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब आप इसकी मदद से गेम में वर्किंग कनेक्शंस बना सकते हो, चीजों को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। लोग इसकी मदद से वर्किंग कंप्यूटर्स तक बना देते हैं गेम के अंदर। और अब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूं तो एक बंदा है जिसने अब तक की सबसे बड़ी रेडस्टोन ट्रेल बनाई है। ये 33,000 ब्लॉक्स लंबी है और अपने क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से 1875 ब्लॉक्स ज्यादा है। इसके जो क्रिएटर है केडन हेमिंग, वो यूके के रहने वाले हैं और उन्होंने इसे बस पर्सनल अचीवमेंट के लिए बनाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक वर्ल्ड सेट कर देंगे। 20 जून 2021 को उन्होंने इसे अचीव किया और अब वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। एंड में एक बंदे के बारे में और बताता हूँ, जो है अली ए। उसे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, पता है किस लिए? क्योंकि उसने एक टॉलेस्ट स्टेयरकेस बनाई 1 मिनट में। कितने ब्लॉक्स की? 17। बस आपको क्या लगा मैं 1700 या ऐसा कुछ बोलूंगा? नहीं, मात्र 17 ब्लॉक्स की स्टेयरकेस बनाने पर उसे रिकॉर्ड होल्डर बना दिया। इवन ऐसे ही मोस्ट वुड ब्लॉक्स कलेक्टेड इन 3 मिनट्स का रिकॉर्ड भी है। पता है कितने ब्लॉक्स कलेक्ट किए? 78। बस इससे अच्छा तो हमारा इंडिया का रोहिन बजाज है, जिसने 104 ब्लॉक्स कलेक्ट करके रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अब आपके मन में भी आएगा कि फिर अली ए को इतने आसान रिकॉर्ड पूरे करने के लिए गिनीज में क्यों इंक्लूड किया गया? वो इसलिए कि वो बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, एंड गिनीज वालों ने अपने प्रमोशन के लिए उससे नकली से रिकॉर्ड्स बनवा दिए, वरना उस पे लेजिट चैनल बाय व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स के भी रिकॉर्ड्स हैं। तो बस गाइस, ये था आज के वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो कुछ पसंद आई होगी, थोड़ी सी अलग टाइप की वीडियो है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने को। मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।